हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी के सफर में। आज मैं आप सभी को कहानी सुनाने वाली हूँ एक सच्चाई माता पिता की। तो चलिए कहानी सुनते हैं। वैसे तो काजल को मम्मी की सब सहेलियाँ पसंद थी, लेकिन माधुरी आंटी की कुछ बात ही अलग थी। यद्यपि आते ही गले मिलने और हालचाल पूछने के बाद वह एक तरह से काजल की ओर से तटस्थ हो जाती थी, फिर भी जब तक वह घर में रहती थी उसे पूरे घर में जैसे अपनेपन की उष्मता महसूस होती थी। मम्मी पापा अचानक ही कानपुर छोड़कर मुंबई आ बसे। यहाँ का स्कूल और सहेलियाँ काजल को बहुत पसंद आई। कानपुर पिछली कक्षा की किताबों की तरह पीछे छूट गया, बस माधुरी आंटी की याद गाहेब गाहे आ जाती थी। कानपुर से सभी लोग आपसे मिलने आते हैं, बस माधुरी आंटी नहीं आती। काजल ने एक रोज हसरत से कहा, माधुरी आंटी डॉक्टर हैं और दिनेश अंकल वकील, दोनों ही अपनी प्रैक्टिस छोड़कर कैसे आ सकते हैं। माँ ने बताया। माँ और भी कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले ही पापा ने काजल को पानी पिलाने को कहा। वह पानी लेकर आई तो सुना कि पापा कह रहे थे, काजल की यह बात तुम माधुरी को कभी मत बताना। काजल को समझ में नहीं आया कि इसमें न बताने वाली क्या बात थी। जल्द ही उम्र का वह दौर शुरू हो गया जिसमें किसी को खुद की ही खबर नहीं रहती, तो माधुरी आंटी को कौन याद करता। मम्मी पापा न जाने कैसे उसके मन की बात समझ लेते थे और उसके कुछ कहने से पहले ही उसकी मनपसंद चीज उसे मिल जाती थी। उसकी सहेलियाँ उसकी तकदीर से रस्क किया करती थी। काजल का मेडिकल कॉलेज में अंतिम वर्ष था। मम्मी पापा दोनों चाहते थे कि वह अच्छे नंबरों से पास हो। वह भी जी जान से पढ़ाई में जुटी हुई थी कि दादी के मरने की खबर मिली। दादा दादी अपने सबसे छोटे बेटे सुरेश और बहू दिशा के साथ कानपुर में रहते थे। पापा के अन्य भाई बहन भी वहाँ पहुँच चुके थे। घर में काफ़ी भीड़ भाड़ थी। दादी के अंतिम संस्कार के बाद दादाजी ने कहा, शोभा बेटी, तुम्हारी माँ के जो जेवर हैं मैं चाहता हूँ कि वह तुम सब आपस में बांट लो। तू सबसे बड़ी है, इसीलिए सबके जाने से पहले तू बराबर का बंटवारा कर दे। रात को जब काजल दादाजी के लिए दूध लेकर गई तो दरवाजे के बाहर ही अपना नाम सुनकर ठिठक गई। दादाजी शोभा बुआ से पूछ रहे थे, तुझे काजल से चिढ़ क्यों है? वह तो बहुत सलीके वाली और प्यारी बच्ची है। मैं काजल में कोई कमी नहीं निकाल रही पिताजी, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि माँ के गहने हमारी पुश्तैनी धरोहर है, जो सिर्फ माँ के अपने बच्चों को मिलनी चाहिए, किसी दूसरे की औलाद को नहीं। माँ के जो भी जेवर अभी विनीता भाभी को मिलेंगे वह देर सवेर देंगी तो काजल को ही, यह नहीं होना चाहिए, शोभा बुआ समझाने के स्वर में बोली। काजल इसके आगे कुछ नहीं समझ सके। दूसरे की औलाद शब्द हथौड़े की तरह उसके दिलो दिमाग पर प्रहार कर रहा था। उसने चुपचाप लौटकर दूध का गिलास नौकर के हाथ दादाजी को भिजवा दिया और सोचने लगी कि वह किसी दूसरे यानी किसकी औलाद है। दूसरी जगह और कितने लोगों के बीच मम्मी पापा को कुछ पूछना तो मुनासिब नहीं था। तभी दिशा चाची उसे ढूंढते हुए आई और बरामदे में पड़ी कुर्सी पर निढाल सी लेटी काजल को देखकर बोली, थक गई ना, जा सो जा जाके। अब काजल के दिमाग में बिजली सी कौन थी, क्यों ना दिशा चाची से पूछा जाए। दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क ना होने के कारण उसकी दिशा चाची से बहुत बनती थी और पिछले 3-4 रोज से एक साथ काम करते हुए आप दोनों में पूछना है चाची, बताएंगी, उसने निवेदन के अंदाज से पूछा। जरूर, दिशा ने प्यार से उसका सर हिलाया। मैं कौन हूँ? काजल के इस प्रश्न से दिशा चौंक पड़ी, फिर संभल कर बोली, मेरी प्यारी भतीजी काजल, मगर मैं आपकी असली भतीजी तो नहीं हूँ ना, क्योंकि मैं डॉक्टर विनोद और डॉक्टर विनीता की नहीं किसी दूसरे की औलाद। यह तो क्या कह रही है, दिशा ने बात काटी, जो भी कह रही हूँ चाची सही कह रही हूँ ना। और काजल ने शोभा बुआ और दादाजी के बीच हुई बातचीत दोहरा दी। दिशा झल्ला कर बोली, तुम्हारी शोभा बुआ को भी बगैर बवाल बचाए खाना नहीं पचता। उन्होंने कोई बवाल नहीं मचाया चाची, सिर्फ सच्चाई बताई है, पर अगर आप मुझे नहीं बताएंगी कि मैं किसकी औलाद हूँ
तो बवाल मच सकता है। मैं जो बताऊंगी उस पर तो यकीन करेगी? अगर यकीन नहीं करना होता तो आपसे पूछती ही क्यों? असलियत जानने के बाद मैं मम्मी पापा से कुछ नहीं पूछूंगी, और कम से कम यहाँ तो कतई नहीं, कभी भी और कहीं भी नहीं पूछना बेटे, वरना वे बहुत दुखी होंगे कि शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई। तुम डॉक्टर माधुरी और दिनेश नाथ शर्मा की बेटी हो। विनीता भाभी और माधुरी बचपन की सहेलियां हैं। यह स्पष्ट होने पर कि बचपन में हुई किसी दुर्घटना के चलते विनीता भाभी कभी माँ नहीं बन सकती, माधुरी ने उनकी गोद में तुम्हें डाल दिया था। विनीता भाभी और विनोद भाई साहब ने तुम्हें शायद ही कभी शिकायत का मौका दिया हो। काजल ने सहमति में सर हिलाया। मम्मी पापा ने मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माधुरी आंटी ने मुझे क्यों और कैसे दे दिया? दोस्ती की खातिर? दोस्ती ममता से ज्यादा? तभी अंदर से बहुत उत्तेजित स्वर सुनाई देने लगे। सबसे ऊंचा स्वर विनोद का था। मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे अमूल्य निधि मेरी बेटी है, जिसके लिए मैं कानपुर से सरकारी नौकरी छोड़कर चला आया। उसके लिए क्या चंद गहने नहीं छोड़ सकता? मैं कल सवेरे यानी आपके बंटवारे से पहले ही यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन माँ की उठानी शोभा बुआ ने पूछा, उसके लिए आप सब है ना? माँ की अंत समय में सेवा कर ली, मेरे लिए यही बहुत है, विनोद ने कड़वे स्वर में कहा। जो लोग मेरी बेटी को पराया समझते हों, उनके साथ रहना मुझे गवारा नहीं है। दिशा ने काजल की ओर देखा और उसने चुपचाप सिर झुका लिया। यह अब नहीं रुकेगा, रोक कर शोभा तुम मत बढ़ाओ बात, दादाजी का स्वर उभरा। उसी समय विनोद काजल को पुकारता हुआ वहां आया और उसे इस तरह बाहों में भरकर अपने कमरे में ले गया जैसे कोई काजल को उससे छीन न ले। कल हम मुंबई लौट रहे हैं काजल, सो अब तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना होगा, विनोद ने कहा। जी पापा, काजल ने कहा और चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। विनोद ने बत्ती बुझा दी। विनोद, कुछ देर बाद विनीता का स्वर उभरा। मुझे लगता है इस तरह लौट कर तुम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। शोभा बहन जी ने जिस बेदर्दी से मेरी भावनाओं को कुचला है ना, उसके मुकाबले में मेरी ठेस तो बहुत मामूली है, विनोद ने तलखी से कहा। जो भी मेरी बेटी को नकारेगा उसे मैं कदापि स्वीकार नहीं करूँगा, चाहे वह कोई भी हो, यहाँ तक कि तुम भी। अगली सुबह उसे विदा करने को केवल दादाजी, सुरेश और दिशा ही थे, और सब इस अप्रिय स्थिति से बचने के लिए नींद का बहाना करके उठे ही नहीं। घर आकर विनीता और विनोद अपने काम में व्यस्त हो गए और काजल पढ़ाई में। हालांकि काजल को लग रहा था कि कानपुर से लौटने के बाद पापा उसे लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव हो गए हैं, लेकिन वह अपने असली माता पिता से मिलने और यह जानने के लिए बेचैन थी कि उन्होंने उसे अपनी गोद से उठाकर दूसरे की गोद में क्यों डाल दिया। उसने मम्मी की डायरी में से माधुरी आंटी का फ़ोन नंबर और पता तो नोट कर लिया था, मगर वह खत या फ़ोन के जरिए नहीं, स्वयं मिलकर बात पूछना चाहती थी। परीक्षा सिर पर थी और पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था। काजल यही सोचती रहती थी कि क्या बहाना बनाकर कानपुर जाएं। रजनी उसकी खास सहेली थी, उससे काजल की बेचैनी छिप नहीं सकी। उसके पूछने पर काजल को बताना ही पड़ा। समझ में नहीं आ रहा कि कानपुर किस बहाने से जाऊं। तू भी अजब भुलक्कड़ है, कई बार तो बता चुकी हूँ कि सालाना परीक्षा खत्म होने के बाद ही मेरे बड़े भाई की शादी है और बारात कानपुर देहात जाएगी। मैं तुझे बारात में ले चलती हूँ, वहाँ जाकर तू जहाँ कहेगी तुझे पहुँचवाने का इंतजाम करवा दूंगी। सो अब सारी चिंता छोड़कर पढ़ाई कर। रजनी की बात से काजल को कुछ राहत मिली और फिर शाम को रजनी उसकी मम्मी पापा से मिलकर बारात में चलने की स्वीकृति लेने उसके घर आ गई। बारात में जाने के बारे में सोचने के बजाय फिलहाल तो तुम दोनों पढ़ाई में ध्यान लगाओ, पापा ने रजनी की बात सुन करके बड़े प्यार से दोनों के सिर पर हाथ सहलाया। अंतिम साल की परीक्षा है, इसके नतीजे पर तुम्हारा पूरा भविष्य निर्भर करता है। काजल को तो मैं कार्डियोलॉजी में महारत हासिल करने के लिए अमेरिका भेज रहा हूँ, तुम्हारा क्या इरादा है रजनी? अगर मैं भी कार्डियोलॉजिस्ट बन गई अंकल, तो मुझे और काजल में दोस्ती के बजाय
स्पर्धा हो जाएगी और हमारी दोस्ती खत्म हो ऐसा रिस्क मुझे नहीं लेना है। सो कुछ और सोचना पड़ेगा, मगर सोचने को फिलहाल आपने मना कर दिया है। रजनी हंसी। रजनी को विदा करके काजल जब अंदर आई तो उसने अपने पापा को क्या कहते सुना, मैं नहीं चाहता विनीता कि काजल कानपुर जाए और माधुरी से मिले, इसीलिए रजनी के भाई की शादी से पहले ही काजल को लेकर कहीं और घूमने चलते हैं। कैसे जाओगे विनोद? इस बार IMA का वार्षिक अधिवेशन तुम्हारी अध्यक्षता में होगा और वह उन्हीं दिनों में है। काजल लपक कर कमरे में आई और कहने लगी, मेरी एक बात मानेगी मम्मा, आप प्लीज़ माधुरी आंटी को मेरे कानपुर आने के बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि मैं शादी की रौनक छोड़कर उनसे मिलने नहीं जाने वाली। पापा के चेहरे पर यह सुनकर राहत के भाव उभरे थे। ठीक कहती हो, अपनी सहेलियों को छोड़कर माँ की सहेली के साथ बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू पापा, कहकर काजल बाहर आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। पापा मम्मी से कह रहे थे कि अच्छा है काजल उन दिनों शादी में जा रही है, क्योंकि हम दोनों तो अधिवेशन की तैयारी में व्यस्त हो जाएंगे और यह घर पर बोर होती रहने के बजाय बच जाएगी। इस तरह समस्या हल होते ही काजल जी जान से पढ़ाई में जुट गई। कानपुर स्टेशन पर बारात का स्वागत करने वालों में कई महिलाएं भी थी। लड़की के पिता सबका एक दूसरे से परिचय करवा रहे थे। एक अत्यंत चुस्त दुरुस्त सौम्य महिला का परिचय करवाते हुए उन्होंने कहा, यह डॉक्टर माधुरी है, कहने को तो हमारी फैमिली डॉक्टर और पड़ोसन है, लेकिन हमारे परिवार की ही एक सदस्य है। हमारे से ज़्यादा शादी की धूमधाम इनकी कोठी में है, क्योंकि सभी मेहमान वहीं ठहरे हुए हैं। काजल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका काम इतनी आसानी से हो जाएगा। उसने आगे बढ़कर माधुरी को अपना परिचय दिया। माधुरी ने उसे खुशी से गले से लगाया और पूछा कि विनीता क्यों नहीं आई? आंटी, मम्मी पापा आजकल एक अधिवेशन में भाग ले रहे हैं, मैं भी इस बारात में महज आपसे मिलने ही आई हूँ। काजल ने बिना किसी हिचक से कहा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। माधुरी चौंक पड़ी, फिर संभल कर बोली, अभी तो एकांत मिलना मुश्किल है, रात को बारात की खातिरदारी से समय निकालकर तुम्हें अपने घर ले चलूँगी, उसमें तो बहुत देर है, उससे पहले ही घर ले चलिए ना, काजल ने मनुहार की। अच्छा, दोपहर में क्लिनिक से लौटते हुए ले जाऊँगी। दोपहर को माधुरी ने खुद आने के बजाय उसे लाने के लिए गाड़ी भेज दी। वह अपनी क्लिनिक में उसका इंतज़ार कर रही थी। तुम अकेले में मुझसे बात करना चाहती हो, जो फिलहाल घर पर मुमकिन नहीं है, बताओ क्या बात है? माधुरी मुस्कुराई, मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपने मुझे क्यों नकारा, क्यों मुझे दूसरों को पालने को दे दिया? माँ, मुझे मालूम हो चुका है कि मैं आपकी बेटी हूँ, और काजल ने कानपुर वाला किस्सा उन्हें सुना दिया। विनीता और विनोद ने तुम्हें क्या वजह बताई? माधुरी ने पूछा। उन्हें मैंने बताया ही नहीं कि मुझे सच्चाई पता चल गई है। वह दोनों मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैं कभी सपने में भी उनसे कोई अप्रिय बात पूछकर उन्हें दुखी नहीं करूंगी। यानी कि तुम्हें विनीता और विनोद से कोई शिकायत नहीं है? कतई नहीं, लेकिन आपसे है। आपने मुझे क्यों अपने से अलग किया? कमाल है, बजाय मेरे शुक्रिया अदा करने के कि तुम्हें इतने अच्छे मम्मी पापा दिए, तुम शिकायत कर रही हो। सवाल अच्छे बुरे का नहीं, बल्कि उन्हें क्यों दिया यह है। मान गए भाई, पली चाहे कहीं भी हो, रही वकील की बेटी, माधुरी ने बात हंसी में टालनी चाहिए, मगर वकील की बेटी को डॉक्टर की बेटी कहलवाने की क्या मजबूरी थी? मजबूरी कुछ नहीं थी, बस दोस्ती थी। विनीता माँ नहीं बन सकती थी और अनाथालय से किसी अनजान बच्चे को अपनाने में दोनों हिचक रहे थे। बेटे और बेटी के जन्म के बाद मेरा परिवार तो पूरा हो चुका था। सो जब तुम होने वाली थी तो हम लोगों ने फैसला किया कि चाहे लड़का हो या लड़की, यह बच्चा हम विनीता और विनोद को दे देंगे। ऐसा करके मैं नहीं सोचती कि मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय किया है। अन्याय तो खैर किया ही है, पहले तो सब ठीक था, मगर असलियत जानने के बाद मुझे अपने असली माता पिता का प्यार चाहिए। तभी कुछ खटका हुआ और एक प्रौढ़ पुरुष
ने कमरे में प्रवेश किया। माधुरी चौंक पड़ी। आप इस वक्त यहाँ पर? कोर्ट से लौट रहा था तो बाहर तुम्हारी गाड़ी देखकर देखने चला आया कि खैरियत तो है। कंगना की बारात में काजल भी आई है, मुझसे अकेले में बात करना चाह रही थी, सो यहाँ बुलवा लिया, माधुरी ने कहा और काजल की ओर मुड़ी। यह तुम्हारे दिनेश अंकल हैं। अंकल क्यों, पापा कहिए ना। काजल नमस्ते करके दिनेश की ओर बढ़ी, लेकिन दिनेश ने उसकी अवहेलना करके माधुरी के जांच कक्ष में जाते हुए कड़वे स्वर में बोले, इधर आओ माधुरी। माधुरी सहमे स्वर में काजल को रुकने को कहकर पर्दे के पीछे चली गई। यह सब क्या है माधुरी? मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि अपने बेटे बेटी का प्यार और हक बांटने के लिए मुझे तीसरी औलाद नहीं चाहिए, तुम गर्भपात करवाओ, मगर तुम नहीं माने और इसे अपनी सहेली के लिए पैदा किया। खैर, उनके मुंबई जाने के बाद में चैन की सांस ली थी, मगर यह फिर टपक पड़ी मुझे पापा कहने, हमारे सुखी परिवार में सेंध लगाने के लिए। साफ कह दे रहा हूँ माधुरी, मेरे लिए यह अनचाही औलाद है, ना मैं स्वयं इसका अस्तित्व स्वीकार करूँगा, ना अपने बच्चों को। काजल आगे और नहीं सुन सकी। उसने फौरन बाहर आकर एक रिक्शा रोका। अब उसे मुंबई जाने का इंतज़ार था, जहाँ उसके मम्मी पापा व्यस्तता के बावजूद उसके बगैर बेहाल होंगे। प्यार जन्म से नहीं होता है। प्यार तो प्यार करने वालों से होता है, और जो प्यार उसे अपने मुंबई वाले माता पिता से मिला, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। और दोस्तों, आप सब बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं और बहुत सारी कहानियाँ आप लोग के लिए लाती रहूँ। ऐसी ही एक पारिवारिक कहानी आपके लिए फिर आएगी कल। तो चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी लेकर।